हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं अब झाड़ू पोछा करके फिर पकौड़ियाँ बनाती हूँ। आज रेनी डे है, बारिश हो रही है बाहर। चाय के साथ पकौड़ियाँ बनाएंगे, चटनी बनाएंगे हो सका तो, वरना चाय पकौड़ी तो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए अपना रूटीन मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। हेलो, तो देखिए मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। ये मैंने इसमें बेसन ले लिया है, ये हरी मिर्च मैंने काट ली है, दो हरी मिर्च, तीन हरी मिर्च मैंने इसमें लिया कट करके, ये धनिया है और इसमें मैंने अदरक भी ग्रेट कर ली है, ये मैंने लहसुन कूट लिया है, आलू भी मैंने कट कर लिए हैं। ये देखिए इस शेप में मैंने आलू कट करे हैं इस शेप में, और ये मैंने प्याज भी कट कर ली है ऐसे ही, लंबी लंबी प्याज मैंने कट कर ली है। चलिए मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, ये धनिया और अदरक मैंने इसमें मिक्स कर ली है, ये हरी मिर्च ये मैंने इसमें डाल ली है, लहसुन ये देखिए कूट रखा हुआ है मैंने लहसुन, मैंने तेल भी चढ़ा दिया और चाय भी रख दी है बनने के लिए। अब मैं इसमें प्याज को डाल लेती हूँ, और भी आलू भी डालकर मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। मसाले में मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये कुटा हुआ धनिया, थोड़ी लाल मिर्च, एक पिंच मैंने इसमें हल्दी ली है, ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम होगा तो मैं दोबारा इसमें डाल लूंगी। चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बारिश हो रही है कंटिन्यू दिल्ली में, और कहाँ कहाँ हो रही है बारिश मुझे जरूर बताना। हमारे यहाँ हो रही है बारिश। चलिए मैं हाथ से मिक्स करती हूँ इसे, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड कर लूंगी। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए पकौड़ी, अगर आपको पसंद है तो, बारिश के मौसम में हमारे यहाँ पे सबको पसंद है। तो देखिए मैं गैस की फ्लेम को हाई कर देती हूँ पकौड़ियाँ तलने के लिए। तेल वैसे हमारा हो गया है, मैं पकौड़ियों को इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बैच में मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है, देखिए चाय में भी बॉईल आ गया है।
इनको सेक लेती हूँ। ये देखिए एक साइड से हो गई है, मैं इनको पलट लेती हूँ। आपको पकौड़ियाँ कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, आलू प्याज की पकौड़ियाँ। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है, इनको फिर से फ्राई कर लेती हूँ मैं दूसरी साइड से। ये देखिए पकौड़ियाँ हो चुकी है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं पकौड़ियाँ, मैं इनको निकाल लेती हूँ। किसके मुंह में पानी आ रहा है पकौड़ियाँ देखकर जरूर बताना, अगर आपको अच्छी लगती है तो आइए आकर खा लीजिए। आपके लिए बनाई है मैंने पकौड़ियाँ और ये मैंने चटनी भी बना ली है, चटनी भी बना ली है मैंने। चलिए मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये तैयार कर ली है, मैंने इसमें ली है ये रेड वाली सॉस और ग्रीन वाली चटनी ली है मैंने, इसमें चाय ले ली है और ये पकौड़े हैं। दूसरा बैच भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसको टेस्ट कराते हैं कैसे लगता है, कैसी बन रही है टेस्ट करके बताओ। चटनी भी ट्राई करो कैसी बन रही है, चटनी तो ट्राई करो। कैसी बनी है? बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। आप भी बनाइए और खाइए, और रेसिपी देखनी हो तो देखिए दीपाली कुकिंग जोन से, और बहुत स्वादिष्ट, और सर्दियों के मौसम में खाना जरूर। चलिए पकौड़ी अच्छी बनी है, चटनी भी टेस्टी बनी है, हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। ये देखिए दूसरा बैच भी बन करके तैयार हो गया है, मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, मैं भी खा लेती हूँ, आइए आप भी आकर खा लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं बाद में। ये देखिए बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, अब छत पे आई हूँ मैं घूमने के लिए, आई थी लेकिन बारिश थोड़ी कम है, हल्की हल्की हो गई है, बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम। ये देखिए हमारे प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा हरा भरा लग रहा है पूरे में। हमारे बाहर रोड पे इतने पेड़ लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और ये वाला पेड़ बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए इस पर एक अजीब तरीके से फूल भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं लाइव देखने में, कैमरे में उतने साफ नहीं दिखाई दे रहे। ये देखिए कितना अच्छा लगता है छत पर आकर, मैं धूप में नहीं आती, मुझे धूप में बैठना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए पिजन, कितने सारे पिजन हैं हमारे यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से बारिश में बैठे हुए हैं। वाइट पिजन भी आते हैं, वो बड़े बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, एकदम क्यूट क्यूट से, उनको तो ऐसा मन करता है पकड़ के रख लो। बारिश थोड़ी तेज हो गई है, चलिए मैं नीचे चलती हूँ वापस से, चलती हूँ मैं नीचे। तो अब टाइम देखिए 3:15 हो गए हैं, मैंने कॉफ़ी बनाई है मेरी फेवरेट, तो शाम को बनाऊंगी मैं मटर पुलाव, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हेलो, तो अब शाम के 7:30 बज चुके हैं, हम थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं, आज मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, मैंने आपको दिन में भी बताया था, मैं उसकी तैयारी करूंगी अब। तो देखिए अब मैं क्या नाश्ता कर रही हूँ, ये है समोसा, ये सब्ज़ी है आलू की, ये ब्रेड पकौड़े के साथ आई है, ज़्यादा ही घोट रखे इन लोगों ने। ये देखिए ये ब्रेड पकौड़ा, ये मैंने जो दिन में चटनी बनाई थी वो है, ये चटनी अच्छी नहीं लगती, और ये चाय है। आइए आप लोग भी आकर नाश्ता कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं इधर लिंक दे दूँगी, नीचे लिंक दे दूँगी यहाँ पर, आपको आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं।
ये टमाटर लिए हैं मैंने, ये हरी मिर्च है और ये अदरक है, मैंने इसमें जीरा डाल लिया है, प्याज डाल ली है तेल में। तेल को अच्छे से गर्म करके मैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ मैं, इससे प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी। ये मैंने लहसुन कूट लिया है, मैं हमेशा लहसुन कूट के डालती हूँ। ये देखिए प्याज हो गई है, अब मैं इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें गोभी ली है, गाजर ली है और ये नीचे इसमें मटर भी है, ये रही उसमें मटर भी है नीचे। चलिए मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, ये आधे से थोड़ी कम हल्दी मैंने इसमें डाली है और ये मैंने थोड़ी इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाली है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी टमाटर पकने तक, टमाटर इसमें पक जाए फिर इसमें सब्जी ऐड करूंगी मैं। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं, पक जाए अच्छे से। टमाटर अब ये गल गए हैं, मैश हो रखे टमाटर, अब मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी। ये देखिए मटर भी मैंने अच्छी क्वांटिटी में ले रखी हुई है। अब मैं इसे मटर सब्जियों के साथ भी थोड़ी देर चला लूंगी, थोड़ी देर पका लूंगी 1 से 2 मिनट ताकि सब्जियों में भी मसाले का फ्लेवर आ जाए। ये देखिए सब्जियां पक चुकी हैं, 2 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया था। मैं इसमें ये चावल ऐड कर लूँगी, चावल को मैंने भिगो लिया था 20 से 25 मिनट के लिए, चावल भिगोकर अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें पानी भी डाल लूँगी। ये देखिए जितने चावल थे उससे सिर्फ इतना सा ही पानी मैंने ऊपर लिया है। अब मैं हाई फ्लेम पर इसमें 2 सीटियां लगा लूंगी। आप इस स्टेज पर नमक चेक कर लीजिए इसमें, अगर आप इस तरह से इसमें अदरक और लहसुन डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक इसमें बिल्कुल ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको ढक्कन से 2 सीटी लगा लूंगी, उसके बाद मैं तो मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस बना दिए हैं, 2 सीटी आ जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए चावल बन चुके हैं, बताइए आप कैसे लग रहे हैं, आइए आप सब भी आकर खा लीजिए। टेस्ट करो, तो
तो ये देखिए खाना बन गया है। आप भी खा लीजिए सब, फर्स्ट बाइट आपके लिए है। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय, गुड नाइट, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा।